हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हेयर कट हो चुका है फाइनली, कोरोना थोड़ा हल्का हो गया तो इसीलिए आई गॉट द हेयर कट डन। अब शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा टेक की खबरों के साथ और आज का टेक ऑफ द डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। बात करते हैं टेक ऑफ द डे की, इतने आप वीडियो को लाइक कर दो यार। शुरुआत करते हैं, कोलकाता के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बना लिया है पॉकेट वेंटिलेटर। अब ये पॉकेट वेंटिलेटर उन लोगों के काम आएगा जो कि COVID-19 या फिर अस्थमा के पेशेंट्स हैं। तो ऐसे में इन खुद को, ये जो साइंटिस्ट हैं, इनको खुद को COVID-19 हुआ था और उन्हें ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने एक पॉकेट वेंटिलेटर बनाया है जो कि ना सिर्फ COVID-19 के पेशेंट्स को काम आएगा, साथ ही साथ अस्थमा के पेशेंट्स को भी काम आएगा। तो ये बहुत अच्छी इन्वेंशन है जो कि यहाँ इंडिया में हो रही है और ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि बहुत सारी US कंपनीज ऑलरेडी इनसे बात कर रही हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। मुझे लगता है कि भारत सरकार को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और पूरे देश में जहाँ भी ज़रूरत हो पहुँचाना चाहिए। आपका क्या नज़रिया इसके बारे में बताना कमेंट्स में। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर के साथ और पहली खबर बहुत ही बड़ी खबर है आज की और ये है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, यानी कि नया वाला पबजी। अब नया वाला पबजी की अच्छी बात यह है कि पुराना जो डेटा है आपका वो पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जा रहा है, यानी कि कुछ भी लॉस नहीं होगा आपका गेम का डेटा, जो एक बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ अभी ये अर्ली एक्सेस के अंदर कुछ लोगों के पास है, हमने पूरी कोशिश की है इसको करने की लेकिन अर्ली एक्सेस के नॉर्मल इन्विटेशन भर चुके हैं तो वहाँ से तो हमें मिल नहीं पाया, लेकिन हमने इसके निकाले हैं दो तरीके। इन दो तरीकों के थ्रू आप अपने फ़ोन पे आज ही पबजी जो है नया वाला खेल पाएंगे, यानी कि BMI को खेल पाएंगे। तो ऐसे में अच्छी बात तो यह है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कल तक के लिए रुक जाएंगे तो ये पब्लिकली सबको मिल जाएगा, तो 24 घंटे का खेल है बस। अगर फिर भी अगर आपको पहले खेलना है तो पढ़ लो जाके आर्टिकल जो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। बात करते हैं दोस्तों नई लॉन्च के बारे में, नया लॉन्च है रियलमी की तरफ से। रियलमी लॉन्च करने वाला अपना 32 इंच का FHD टीवी, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ ये टीवी आने वाला है। 12:30 बजे लॉन्च होगा, 24 जून को ये लॉन्च होने वाला है। अब देखने में तो ठीक है, इनके प्रमोशन वगैरह सब चलते रहते हैं, लेकिन टीवी की क्वालिटी क्या है ये बहुत मैटर करती है। 32 इंच के टीवी के अंदर कंपनीज काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो सोच समझ के ही लेना 32 इंच का टीवी। थोड़ा बड़े स्क्रीन साइज पर जाओगे तो आपको बेहतर फीचर्स मिल जाएंगे और बाकी EMI पे भी ले सकते हो ना आजकल तो। बात करते हैं दोस्तों एक और खबर जो कि बढ़िया खबर है, ड्रोन के थ्रू हो रही है डिलीवरी ऑफ फूड पैकेट्स। ये स्विगी और ANRA टेक्नोलॉजीज मिलके कर रहे हैं, यानी कि स्विगी के थ्रू फूड डिलीवर हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और कुछ और टाउन्स में हो रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो ड्रोन के थ्रू फूड की डिलीवरी हो रही है, फूड पैकेट्स की डिलीवरी हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ड्रोन अब काम आ रहे हैं। आई होप कि किसी ना किसी दिन दिल्ली मुंबई में भी ड्रोन के थ्रू फूड की डिलीवरी होगी, जिस दिन भी होगी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर और ये है Honor 50 Pro, Honor 50 एंड Honor 50 SE एडिशन के बारे में। ये तीनों फ़ोन जो हैं आने वाले हैं, इनमें से कुछ में आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाएगा, 108 MP का कैमरा मिल जाएगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी Honor 50 सीरीज़ के नए फ़ोन जो आने वाले हैं उनमें आपको गूगल की एप्लीकेशन मिलेंगी और अगेन इनके कैमराज रेगुलर चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन के कैमरा से बेहतर होते हैं, यानी कि रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो कुछ नहीं है Honor के कैमराज के आगे, क्योंकि मैंने देखे हैं Honor के फोन्स के ऊपर बहुत बढ़िया कैमरा देता था। तो ऐसे में इसकी ग्लोबल अवेलेबिलिटी आ गई है फ़ोन की, Honor 50 ग्लोबल अवेलेबिलिटी के अंदर इंडिया का नाम जो है नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब है कि थोड़ा समय लगेगा Honor 50 को इंडिया में आने में, लेकिन आएगा ज़रूर, उसकी आप चिंता मत करिए। बात करते हैं दोस्तों डीजो के नए प्रोडक्ट जो कि लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट पे। डीजो एक ऐसा ब्रांड बनाया है जो कि फीचर फ़ोन बनाएगा और ये रियलमी का सब ब्रांड है, तो ओप्पो, वीवो, ये BBK के सारे भाई जो हैं, मतलब सारे बेटे मिलके पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, तो शायद इन्होंने टेक्नो से और जो इन्फिनिक्स हैं उनसे मुकाबला करने के लिए अपना डीजो लाया है। तो डीजो के आएंगे फ़ोन्स और ये सस्ते 5G फ़ोन होंगे, न्यूमेरिक कीपैड वाले फ़ोन्स होंगे, तो ये भी आने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स, तो इन्फिनिक्स बड़ी छलांगे मार रहा है आजकल, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है। इन्फिनिक्स का एक फ़ोन आने वाला है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसमें आपको 160 वाट की चार्जिंग मिलेगी। अब ये फ़ोन की कुछ फ़ोटो सामने आ गई है, बड़ा सा एक कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है।
बात करते हैं दोस्तों OnePlus की बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में। और OnePlus फाइनली Oppo के साथ ऑफिशियली मर्ज हो गया है। अब ये तो हमें पता था कि OnePlus एक सिस्टर ब्रांड है, यानी कि एक सब कंपनी है Oppo की ही, और Oppo ही OnePlus के फ़ोन एक्चुअली में बनाता आया है। Oppo के फ़ोन से ही जो डिज़ाइन लेके OnePlus अपने फ़ोन लॉन्च करते थे, Oppo के ही फ़ोन को एक तरह से रीब्रांड करके अब फाइनली ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया है कि अब इनकी टाइट इंटीग्रेशन होने वाली है। अब टाइट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? कलर OS की कोई चीज़ें आपको ऑक्सीजन OS में मिल सकती हैं। हालांकि OnePlus ने बोला है कि वो चाइना से बाहर अभी भी ऑक्सीजन OS देते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में ऑक्सीजन OS का मतलब मामला खत्म होने वाला है। कुछ समय बाद ऑक्सीजन OS मिलना बंद हो जाएगा। इस अनाउंसमेंट का मेजर इंप्लीकेशन यही सामने आ रहा है। बाकी तो सब कुछ OnePlus और Oppo का सिमिलर ही था। आई होप कि Oppo थोड़ा अच्छा कैमरा बनाना सिखा दे OnePlus की टीम को अब इस टाइट इंटीग्रेशन के बाद। तो देखते हैं कि क्या होता है। बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की, और उससे भी पहले मैं बात कर लेता हूं मीम के बारे में। आज का मीम शेख अहमद जी की तरफ से है, बहुत ही बढ़िया मीम है, आप खुद देख लो, आई थिंक ये सेल्फ अंडरस्टूड है। और क्या ऐसा होता है, मतलब ऐसा मैंने होता हुआ देखा तो नहीं है मीम में, लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता हुआ आपने देखा है बताना कमेंट्स में। बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो पहली टिप है आज की, कैसे अगर आप ट्विटर स्पेसिस पे आप ज्वाइन करते हैं हम लोगों को और कई बार आपको आवाज़ वगैरह नहीं आती है, तो उसको फिक्स कैसे करना है। अगर आप कुछ बोलते हैं उसकी आवाज़ नहीं जाती है, तो यहाँ पे हमने बताए हैं 6 तरीके टोटल, आप जाके पढ़ सकते हैं कि कैसे फिक्स करना है ट्विटर स्पेसिस की प्रॉब्लम अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपको कोई इशू आता है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी एंड्रॉयड 12 में जो क्लॉक है ना लॉक स्क्रीन पे, जो बड़ी क्लॉक गूगल ने दिखाई थी जब एंड्रॉयड 12 को अनाउंसमेंट किया था, वो वाली क्लॉक आप अपने फ़ोन पर डाल सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि आपके फ़ोन पर कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। तो ये भी हमने बताया, आप जाके पढ़ लेना, बहुत बढ़िया लगती है वो क्लॉक। अगर आप मेन स्क्रीन पे क्लॉक लगाते हैं वो भी बड़ी बड़ी, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रीमियम सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट यूआई यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप अभी पा सकते हैं, एंड्रॉयड 12 को आने में तो टाइम लगेगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की ताज़ा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से वीडियो को प्लीज़ लाइक करना यार। और बस यही कह सकता हूं मैं कि अगर आप लोग लाइक करते हो शेयर करते हो तभी हम 1 मिलियन की टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, अदरवाइज़ हम पीछे पीछे होते जाते हैं। तो ऐसे में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।